अब हमारे साथ सुखदेवी जी जुड़ रही हैं। घुटनों की समस्या ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। आइए हम सुखदेवी जी से पहले उनके दुख की बात सुनते हैं और फिर सुख कैसे आया वो समझते हैं। सुखदेवी जी नमस्ते, आप कहाँ से बोल रही हैं? दाउदपुरा से। कहाँ पड़ता है ये? मथुरा में। मथुरा में? फिर तो सुखदेवी जी आपको नमस्ते भी कहना है और साथ साथ राधे राधे भी कहना होगा। हाँ, राधे राधे। अच्छा, हमें सुना कि आपको तकलीफ हुई थी, आपका कोई ऑपरेशन हुआ, जरा बताएंगे क्या बात है? हाँ, मेरा घुटना खराब हो गया था तो ऑपरेशन हुआ है मेरा, प्रयाग हॉस्पिटल में। आपकी आयु कितनी है सुखदेवी जी? उम्र 40 साल। 40 साल? और सुखदेव नाम, और सुखदेवी को बीमारी हो गई? बीमारी तो मुझे 15-16 साल लग गई। अरे बाप रे, इतनी छोटी आयु में घुटने आपके खराब हो गए? वो गठिया भाई बोलते हैं जो जोड़ों में दर्द से कहते हैं घुटना खराब हो गई। तो 16 साल से 40 साल की उम्र तक आपने इसका इलाज ही नहीं करवाया? नहीं करवाया था, दर्द की दवाई खाते रहे छोटे मोटे डॉक्टर न पहते, देसी दवाई है वैसी दवाई है, थैला छाप डॉक्टर न पहते, उनसे घुटना चल भी पाई खराब हो गई। 1-2 किलोमीटर पैदल चली मैं तो घुटना खराब हो गई मेरी। तो सुखदेव जी, ऑपरेशन का विचार कैसे आया, उसके पैसों का क्या प्रबंध किया, कैसे बनाए सब? मैंने वो आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाया तो है मैंने। आपको आयुष्मान कार्ड मिल गया था? हाँ, और आयुष्मान कार्ड से गरीबों को मुफ्त में उपचार होता है पता था? स्कूल में मीटिंग हो रही थी, माँ से हमारे पति को पता चला तो कार्ड बनवाया मेरे नाम से। हाँ, फिर इलाज करवाया कार्ड से और मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, कार्ड से ये इलाज हुआ है मेरा, खूब बढ़िया इलाज हुआ है। अच्छा, डॉक्टर ने पहले अगर कार्ड न होता तो कितना खर्चा बताते थे? 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। 6-7 साल से पड़ी हूँ खाट में, ये कहती थी ये भगवान मुझे ले ले तो मुझे नहीं जीना। 6-7 साल से खाट में थी? बाप रे बाप। हाँ, ओहो, बिल्कुल उठा बैठा नहीं जाते, बच्चे बैठाते। तो अभी आपका घुटना पहले से अच्छा हुआ है? खूब घूमती हूँ फिरती हूँ, किचन का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, बच्चों को खाना बना के देती हूँ। तो मतलब आयुष्मान भारत का कार्ड आपको सचमुच में आयुष्मान बना दिया? बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस योजना की वजह से ठीक हो गई, अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तब तो बच्चों को भी आनंद आता होगा। हाँ जी, बच्चों को तो बहुत ही परेशानी होती थी, अब माँ परेशान है तो बच्चा भी परेशान है। देखिए, हमारे जीवन में सबसे बड़ा सुख हमारा स्वास्थ्य ही होता है। ये सुखी जीवन सबको मिले, यही आयुष्मान भारत की भावना है। चलिए सुखदेवी जी, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, फिर से एक बार आपको राधे राधे। राधे राधे, नमस्ते।